जिस नींबू के पौधे पे अगर फूल और फल नहीं आ रहे हैं, मात्र केवल एक चम्मच ये आप प्रयोग कर दीजिए, उस नींबू के पौधे पे फल और फूल इतना आएगा कि आप गिन नहीं पाएंगे। आइए आपको बताते हैं वीडियो में कि ये क्या चीज़ है और कैसे इसको यूज करना है। तो सबसे पहले आपको इसका रियल दिखा दें, आप ये देख सकते हैं। देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो इतने इसमें फल आए हुए हैं कि इसके आप देख सकते हैं, इसके औकात देखिए। ये छोटा सा पौधा है और इतने इसमें फल आए हैं। देखिए, ये नारंगी पौधा है लेकिन देखिए इसमें इतना फल आया है कि अगर ये पूरा फल, ये थोड़ा सा फल के मतलब बड़ा हो जाएगा ना, तो इसकी जो स्टेम में देखो, स्टेम इसकी टूट जाएगी। और इस पौधे पे भी आपको दिखा दे, फल ही फल आया, हर तरफ से इतने गुच्छे गुच्छे में आपको फल देखने को मिलेंगे कि देखिए खूब ढेर सारे आपको गुच्छे गुच्छे में मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको हम बताएंगे कि इस वीडियो में कौन सा आपको फर्टिलाइजर यूज करना है इस कंडीशन पर, और उसके साथ साथ में कौन सा नींबू का पौधा आपको यूज कर लगाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि देखिए, जो भी आप ये देख रहे हैं नींबू का पौधा हम अपने पास लगाए हैं, तो देखिए अब मेरे पास ये तीन वैरायटी के हैं। ये जो वैरायटी है ये आप देख रहे हैं, ये है गंधराज। दोस्तों, गंधराज नींबू अगर आप लगाते हैं ना, तो आपको फ़ायदा ये होगा कि ये हमेशा आपको फल देता है, और उसके साथ साथ में इसमें जो फल आते हैं ना, गुच्छे में फल आते हैं। और इसकी एक पहचान है कि गुच्छे में फल आते हैं, और दूसरी पहचान है कि जिसकी पत्तियाँ ना, इस तरीके से पत्तियाँ तोड़ेंगे और तोड़ के जब इसके इस तरीके से रगड़ेंगे ना, और रगड़ने के बाद इसको जब ये अपने नाक के पास लेकर जाएंगे तो इसमें से हल्की सी स्मेल आएगी। दोस्तों, समझ जाइएगा कि ये एक गंधराज है और एक फल है। अब फल जो देख रहे हैं ना, इस तरीके के देखिए, इस तरीके गुच्छे गुच्छे में आएगा, इस तरीके का अगर आएगा फल, तो समझ जाइए कि ये गंधराज है। दोस्तों, दूसरी चीज़ आप देख लीजिए, कुंभकार भी पौधा आप लगा सकते हैं अपने गार्डन में, और सदाबहार भी पौधा लगा सकते हैं, और बारहमासी जो पौधा है उसको भी आप लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये चार पांच वैरायटी है नींबू के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, एक चीज़ और, जो लोग लेके आते हैं ना, तो जो ये ग्राफ्टेड है ना, ग्राफ्टेड दोस्तों नींबू लेके आना चाहिए। ग्राफ्टेड नींबू लेके आने में आपको फ़ायदा ये होता है कि जल्दी से फल मिलता है। हाँ, बहुत लोग दोस्तों कमेंट किए थे कि नींबू हमने सीड्स लगा रखा है लेकिन दोस्तों उसमें फल नहीं आ रहा है। हम आपको बता देंगे दोस्तों, अगर सीड से नींबू का पौधा लगा रखेंगे तो उसमें दोस्तों फल आता है, चार से पाँच साल समय लग जाता है, कभी कभी तो नहीं आता। देखिए, मेरे पास भी एक नींबू का पौधा है, मैंने फल से लगाया हुआ है, और वो आप देख रहे हैं उसमें बिल्कुल दोस्तों ये तीन साल का हो गया, इसमें कोई भी दोस्तों फूल और फल नहीं आ रहा था। इसलिए आप ग्राफ्टेड लगाइए, क्योंकि आपके पास एक दो पौधे होते, एक दो पौधे लगाते हैं अपने गार्डन में, तो आप ग्राफ्टेड लगाइए। और जो मैंने बताया वैरायटी, ये वैरायटी लगाइए, गंधराज हो गया, उसके बाद कुमकार्ड हो गया, उसके बाद जो सदाबहार हो गया, बारहमासी हो गया, ये सब चार पांच आप नींबू लगाइए, आपके लिए परफेक्ट है। आइए हम जल्दी से बात करते हैं इस फर्टिलाइजर देने के लिए। जो ये दोनों पौधे हैं ना, इन दोनों पौधे पे हम फर्टिलाइजर दे चुके हैं, केवल इस पौधे पे हमको देना था, तो सोचे इसको वीडियो भी हम बना दें। देखिए, इस पर हमको देना क्या है, देने के लिए दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले देखिए आपको दिखा दें। देखिए, हम ले लें एक लीटर पानी, और इस एक लीटर पानी में हमको क्या क्या लेना है। सबसे दोस्तों पहले नंबर पर हमको इसमें लेना है सीविड फर्टिलाइजर। देखिए, सीविड फर्टिलाइजर कितना को लेना है दोस्तों, सीविड फर्टिलाइजर हमको 3 से 4 ml लेना है। देखिए, इतना हम ले लिए। अब आपको बताते हैं कि इसमें अगर आपके पास सीविड फर्टिलाइजर लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा, तो दानेदार फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हैं। हाँ, ये आपको ध्यान दे दोस्तों, बायोजाइम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बायोजाइम से बेहतर काम करेगा सीविड फर्टिलाइजर, क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूज होंगे। देखिए, ये जो देख रहे हैं मेरे हाथ में ना, ये दोनों बायोजाइम है दोस्तों, ये सीड फर्टिलाइजर नहीं है। मैं बार बार हर वीडियो में लोगों को कहता हूँ, लेकिन लोग कन्फ्यूज रहते हैं, और कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो इसको सीविड फर्टिलाइजर बताते हैं। उन यूट्यूबर से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इसे सीविड फर्टिलाइजर ना बताएं, ये बायोजाइम है। और मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों को नहीं यूज करना। हाँ, सीविड फर्टिलाइजर भी दानेदार फॉर्म में आता है, लेकिन दोस्तों वो अलग आता है, और उसको आप शॉप से मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा, अगर नहीं वो मिलता है तो लिक्विड यूज करिए। दूसरा चीज़ में क्या यूज करना है, देखिए दूसरा हमको इसमें यूज करना है, जो हम ये आपको दिखाए थे, जो एक चम्मच दिखाए थे ना, जो ये चीज़ है, ये मैग्नीशियम सल्फेट, एप्सम साल्ट जिसे कहते हैं दोस्तों, इसको यूज करना है। और कितना यूज करना है ये दोस्तों, ये 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक यूज कर सकते हैं इसमें। और इसका करना क्या है, दोनों को इसको हमको इसमें ये घोल देना है। देखिए, अच्छे तरीके से हम दोनों को इसमें घोल दिए, और घोलने के बाद एक काम ये करना है कि इसके हल्की सी करनी है गुड़ाई, और गुड़ाई करने के बाद इस लिक्विड को इसमें यूज कर देना है। देखिए, इस लिक्विड को हम इन दोनों पौधे पे यूज कर दिए हैं, और ये साइज देखिए, आप ध्यान से देखेंगे ना तो इसकी साइज देखिए, ये नींबू की साइज देखिए, इतनी बड़े बड़े दोस्तों नींबू की साइज यहाँ पर आना ये शुरू हो रहा है। और ये दोस्तों ये कमाल है इस सीविड फर्टिलाइजर का, ये आप देख सकते हैं।
ये है, उसके बाद फिर यहाँ देखिए ये बड़े बड़े साइज ये आ रहा है। और ये दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट ना इस पर बहुत काम करता है और इस स्टेज में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो इसको मैंने हल्का सा मैंने इसमें मिट्टी में दे दिया, इस जो मैंने बनाया है घोल। और मिट्टी में देने के बाद करना क्या है, तुरंत दोस्तों इसको स्प्रे पंप में भरिएगा सेम इसी डोज को। और भरने के बाद दोस्तों करना क्या है, तुरंत इस पर आपको छिड़काव कर देना है चारों तरफ अच्छे तरीके से। और उसके बाद देखेंगे ना मात्र 4 से 5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद देखेंगे आपका नींबू खुद बोलने लगेगा कि इस पर क्या चीज़ें हम डाल रखे हैं। इस दोनों सोल्यूशन को आप ज़रूर इस पर यूज करिए, ये बहुत दोस्तों बेहतरीन काम करता है। आप देखेंगे आपके पौधे पे बिल्कुल तो फल नहीं लग रहा था, लेकिन उस पर भी फल लगना शुरू हो जाएगा। हाँ, एक काम और करना है, जैसे ये तो आपने छिड़काव कर दिया अच्छे तरीके से, अब उसके बाद एक काम में करना है कि दोबारा इसका उपयोग ना नेक्स्ट आप 20 दिन बाद तुरंत कर दीजिएगा। नेक्स्ट 20 दिन बाद वो भी सेम छिड़काव में, और छिड़काव के साथ साथ इसके मिट्टी में भी, क्योंकि जब आपके पास अगर फूल आ रहा होगा ना तो फल इस तरीके के कुछ इस तरीके का फल ही आना ये शुरू हो जाएगा। और इस टाइम पे भी इसी सोल्यूशन का अगर तुरंत इस्तेमाल कर देते हैं दोस्तों बहुत तेज़ी से ये बढ़ जाता है। हाँ, उसके बाद एक काम में करना है कि जैसे देखिए आपको हमेशा ये मिलता है इस तरीके के, जिसको आप देख रहे हैं, देखिए इस तरीके के जो भी डेड स्टेम मिलते हैं ना उसको तुरंत दोस्तों कट कर दिया करिए। नहीं कट करेंगे तो दोस्तों नींबू में बहुत दिक्कत आना संभावना रहती है। तो ये जितने भी डेड आपको स्टेम हैं सब तुरंत कट कर दीजिए। और जब भी दोस्तों हम कटर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो कटर का इस्तेमाल दोस्तों हम साफ करें, और नहीं तो दोस्तों होता क्या है कि अगर अपने पास सैनिटाइजर है तो सैनिटाइजर से इसको अच्छे तरीके से वाश करके तब हम इस्तेमाल करें। नहीं तो होता क्या कि हम कट डेड स्टेम को कट करते हैं, और लेकिन जहाँ से कट करते हैं वहाँ उसके आगे से वो तुरंत वो मरना शुरू आती है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान देना है दोस्तों। अगर ये फर्टिलाइज़र आपको अच्छा लगा होगा ना, अगर यूज करेंगे, जो लोग यूज कर रहे होंगे उनको रिस्पांस मिल रहा होगा, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि और लोग इसे जल्दी से यूज करेंगे और अपने नींबू के पौधे पे फल लेना शुरू करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दें। अगर देख रहे हैं फेसबुक पेज हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।